केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को लखनऊ पहुंचे, जहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र के 3 नवनिर्मित भवनों और 300 बिस्तरों वाले छात्रावास, वातानुकूलित कुश्ती हॉल और खेल विज्ञान के लिए चिकित्सा केंद्र के विस्तार का अनावरण किया। इस मौके पर आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर और प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के अलावा राज्य और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस साई क्षेत्र लखनऊ केंद्र पर केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 40 करोड़ से अधिक राशि व्यय की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि खेलो इंडिया योजना के तहत युवा मामले और खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 137.27 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन की तारीफ करते हुए भी कहा कि पहली बार किसी इन्वेस्टमेंट समिट में खेलों की जगह दी जा रही है और योगी आदित्यनाथ का विजन बहुत स्पष्ट है और यह खिलाड़ियों के लिए बहुत सकारात्मक भी है। सुविधाओं के साथ साथ खेलों के जो इक्विपमेंट है उसके निर्माण को, चाहे एस्ट्रो टर्फ है, हॉकी टर्फ है, फुटबॉल टर्फ है, इंडोर स्टेडियम है, एथलेटिक टर्फ है, उन सबको बनाने की बहुत संभावना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बनाने की बहुत संभावना है और अब तो हर राज्य की डिमांड और रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और जब ये बढ़ रही है डिमांड तो उसको बनाने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए।